मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। तो आपको स्टूडेंट ध्यान से सुनना है, नोट डाउन करना है, और जो एक्सरसाइज है, जो प्रैक्टिसेज आपको दी जाती हैं, आपको वो अच्छे से सॉल्व करके और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सेंड करनी है और अच्छे से चेक करवानी है। क्योंकि स्टूडेंट मैथ के अंदर क्या होता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। पढ़ने से या फिर सिर्फ सुनने से आप कभी भी अच्छा परफेक्शन हासिल नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब क्या होता है? संख्या पद्धति। इसका मतलब क्या होता है? संख्या पद्धति। अब संख्या मतलब नंबर्स। नंबर्स कितने होते हैं स्टूडेंट? नंबर होते हैं 0 से लेके 9 तक। और सिस्टम या पद्धति का मतलब क्या हो गया? इन 0 से लेके 9 तक के नंबरों का आप किस मेथड से यूज करते हो, किस तरीके से इनको आप यूज करते हो या राइट डाउन करते हो, या किस तरह से आप इनको इंडिकेट करते हो, वो पैटर्न ही आपका क्या कहलाएगा? नंबर सिस्टम। यानी यूजिंग द नंबर विद ए फिक्स सिस्टम और ए फिक्स पैटर्न और ए फिक्स मेथड इज नोन एज ए नंबर सिस्टम। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? नंबर सिस्टम नंबर से। तो बात करते हैं नंबर। नंबर मतलब क्या होता है? संख्या। नंबर मतलब क्या हो गई? संख्या। तो संख्या, अब सारे नंबर्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट? ऑल द नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर। वो सारी की सारी क्या होती है? रियल यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं। वो क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। कुछ एक वास्तविक संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, कुछ एक वास्तविक संख्याएं नेगेटिव होती हैं, और कुछ एक क्या होती हैं? जीरो होती हैं। कुछ एक क्या होती हैं? जीरो होती हैं। आपके रियल नंबर के अलावा, आपके रियल नंबर के अलावा एक सिस्टम और होता है, इमेजिनरी सिस्टम, इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी नंबर सिस्टम। तो वो आपके काम की चीज नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए रियल नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। लेकिन इमेजिनरी नंबर सिर्फ हमारा इमेजिनेशन या फिर वर्चुअल नंबर है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। कि आप वास्तविक संख्या जैसे ये एक चौक है, वैसे आप इमेजिनरी नंबर से किसी भी रियल लाइफ थिंग को डिनोट नहीं कर सकते। रियल लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपके रियल नंबर से क्या होते हैं? यूजेबल होते हैं। तो ऑल द नंबर आर रियल नंबर। अब नंबर्स या रियल नंबर का जो सेट, सेट मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सेट मतलब ए ग्रुप ऑफ थिंग्स और उस ग्रुप ऑफ थिंग्स, उस वस्तुओं के समूह को क्या होता है? अंडर द फिक्स रूल, एक निश्चित नियम के तहत संख्याओं का जो ग्रुप बनाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है? सेट। तो आपका जो रियल नंबर का सेट होता है वो कितने टाइप का होता है, या फिर सीधी भाषा में बात की जाए तो आपके नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके नंबर्स का सबसे पहला और सबसे आसान सा भाग है कौन सा? नेचुरल नंबर। कौन सा होता है? नेचुरल। 8th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी हम चीजों को रिवाइज करते हैं। नेचुरल नंबर यानी वास्तविक संख्या। नेचुरल नंबर यानी क्या होती है? प्राकृत संख्या। सॉरी, क्या होती है? प्राकृत संख्या। वो नंबर जो 0 से लेके और प्लस इंफिनिटी तक क्या होते हैं? काम में आते हैं। वो नंबर जो 0 से प्लस इंफिनिटी तक के बीच में होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आपका दूसरा पार्ट होता है कौन सा? होल नंबर। दूसरा पार्ट कौन सा होता है? होल नंबर, जिसके अंदर आपका 0 से प्लस इंफिनिटी तक का जो पार्ट होता है वो काम में लिया जाता है। होल नंबर के बाद आपका तीसरा पार्ट आता है कौन सा? इंटीजर। तीसरा पार्ट कौन सा आता है? इंटीजर। इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। इंटीजर यानी क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती हैं, और जो प्लस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक काम में ली जाती है। प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक नंबर्स क्या होते हैं? जो ग्रुप होता है नंबर्स का, जो सेट होता है, वो आपका क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। आपके 0 से प्लस इन्फिनिटी तक के होल नंबर, और आपका 1 से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक का जो ग्रुप होता है वो आपका क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर कहलाता है। इन तीन के अलावा दो ग्रुप और हैं जिनके अंदर नंबर्स को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। पहला होता है रैशनल नंबर। पहला कौन सा होता है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी आपकी परिमेय संख्या है, और जो रैशनल नंबर नहीं है वो क्या होती है? इरेशनल। परिमेय संख्या रैशनल या फिर इरेशनल। वो नंबर्स जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, वो नंबर्स जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, वो क्या होता है? आपका एक रैशनल नंबर होता है। और जो नंबर्स जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है लेकिन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो वो दोनों ही रैशनल या इरेशनल हो सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? रैशनल नंबर के अंदर जब आप पी पी क्यू का क्या करते हो? डिवाइड करते हो, तो एक फिक्स नंबर आता है। एक क्या आता है? फिक्स नंबर आता है। लेकिन जब आप इरेशनल नंबर होता है उसके अंदर अगर आप पी के ऊपर क्यू का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका फिक्स नंबर नहीं आएगा। वो आगे से आगे, आगे से आगे क्या होता जाएगा? चलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बात की 10/2,
कितना हो गया 5 अपॉन 1, या फिर मैं बात करूं 1 अपॉन 2, इसका डिवाइड करने के बाद कितना आता है 0.5। ये फिक्स आंसर हो गया। तो ये 1 अपॉन 2 क्या है आपका, ये रैशनल नंबर है। जैसे मैं बात करूं रूट 2 की, इसकी बात करता हूं अंडर द रूट 2, इसका वैल्यू कितनी होती है 1.141141, आगे से आगे ये वैल्यू चलती जाती है, इसका कहीं पे भी एंड नहीं होता। तो ये कोई फिक्स आंसर नहीं हुआ। तो ये आपका क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। तो रैशनल नंबर जब p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जब p पे q का भाग देते हो तो फिक्स वैल्यू आनी चाहिए। इरेशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होंगे, q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन जब p पे q का भाग दोगे तो क्या आएगी, कोई फिक्स वैल्यू आपके हाथ में नहीं आएगी। ये हो गए रैशनल और इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं रैशनल नंबर की। आपके सिलेबस के अंदर ऑपरेशन है वो सारे के सारे किसके साथ किए गए हैं, रैशनल नंबर। ऑपरेशन मतलब आपके प्लस यानी ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो सारे आपके मैथ के अंदर ऑपरेशन कहलाते हैं, वो ऑपरेशन आपके किए गए रैशनल नंबर के साथ। अब रैशनल नंबर के बारे में बात करने से पहले एक चीज और देखते हैं, नंबर लाइन। क्या बात करते हैं, नंबर लाइन। नंबर लाइन यानी क्या होती है, नंबर लाइन का मतलब हो गया, नंबर लाइन यानी द लाइन ऑन विच ऑल द नंबर्स आर डिनोटेड, यानी एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर सारे के सारे नंबर डिनोटेड हों, वो आपकी क्या कहलाती है, नंबर लाइन। यानी माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी तक के सारे डिजिट जिस लाइन पे आप लिखते हो, एक स्ट्रेट लाइन पे लिखते हो, वो आपकी क्या कहलाती है, नंबर लाइन कहलाती है। अब बात करते हैं आपके रैशनल नंबर की। अब आपके सिलेबस के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि दो रैशनल नंबर के बीच में आपको तीसरा रैशनल नंबर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। 8th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन उस टाइम क्या था आपका, एक सिंपल मेथड था। अब आपको सारा काम फॉर्मुलेशन करना है। जैसे मैंने कहा 2 अपॉन 3 और 1 अपॉन 2, इनके बीच में आपको क्या करना है, कोई एक रैशनल नंबर निकालना है, कोई एक रैशनल नंबर निकालना है। तो उस टाइम हम क्या करते थे, सीधा सा ऐड किया और उसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब आपके फॉर्मूला काम में लेना है कौन सा, x प्लस वाई अपॉन में 2, वेयर x इज ए फर्स्ट रैशनल नंबर एंड y इज ए सेकंड रैशनल नंबर, जहां पे x क्या है पहला रैशनल नंबर और y क्या है आपका दूसरा रैशनल नंबर। पहला रैशनल नंबर कितना है आपका 2 अपॉन 3, आगे क्या है प्लस, तो प्लस। दूसरा रैशनल नंबर कितना है आपका y, y की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2, तो प्लस 1 अपॉन 2, और डिवाइड करना कितने से 2 से। अब 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट, 6, 6 पे 3 का डिवाइड दिया 2 टाइम, और 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4 टाइम, 6 पे 2 का डिवाइड दिया 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, और अपॉन में कितना है आपका 2, 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 अपॉन में 6। अब यहां पे कितना आ गया 7 अपॉन में 6, और 7 अपॉन 6 के डिवाइड में कितना है 2। हम किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, इससे उसके वैल्यू में कोई चीज नहीं होता। अब देखो, अब ये इसके डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवर्स यानी उल्टी हो जाएगी, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 7/6 × 1/2, ये वैल्यू कितनी आ गई 7/12, 7 का 1 से किया 7, 6 का 2 से किया 12, तो 7/12 इन दो नंबर्स के बीच में फाइंड आउट की गई हमारी तीसरी रैशनल नंबर है। तो इसी तरीके से आपको कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में जितनी कहे उतने रैशनल नंबर आपको निकालने, और आपको सिंपल सा मेथड काम में लेना है कौन सा, x प्लस वाई अपॉन में 2। ठीक है स्टूडेंट, आज हमने बात की नंबर सिस्टम की, नंबर किसे कहते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे इनको यूज करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, और आप कैसे रैशनल नंबर, कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में तीसरा रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। जाते जाते एक छोटी सी और बात, आपका रैशनल नंबर था उसको आप n से डिनोट करोगे, होल नंबर को w से, आपके इंटीजर्स को i से, रैशनल नंबर को r से। ये चार इंडिकेशन आपको याद करने हैं, n फॉर नेचुरल, w फॉर होल, i फॉर इंटीजर, r फॉर रियल नंबर। ये चार इंडिकेशन आपको काम में लेंगे। ठीक है, अच्छे से लर्न करना है और प्रैक्टिस करते रहना है। थैंक यू।